आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं बेस्ट स्क्रीन रिकॉर्डर की। जी हाँ, यहाँ पर मैं आपको जिस स्क्रीन रिकॉर्डर को बताने वाला हूँ यह अपने आप में एक बहुत ही ज़्यादा पावरफुल स्क्रीन रिकॉर्डर है जो कि 4K तक में स्क्रीन को रिकॉर्ड करता है। पहला पॉइंट जो है वह है टोटली फ्री है, आपको एक रुपये भी पे नहीं करना इस स्क्रीन रिकॉर्डर को यूज़ करने के लिए। तो अगर आप इसके बारे में जानना चाहते हैं तो आप शुरू से लेकर लास्ट तक हमारी इस वीडियो को जरूर देखें। मेरा नाम है शुभम अग्रवाल और आप देख रहे हैं साइबर बाबा यूट्यूब चैनल। ओके गाइस, तो अभी यहाँ पर आप देखेंगे हम आ चुके हैं फाइनली हमारी लैपटॉप स्क्रीन पर। सिंपली OBS को डाउनलोड करने के लिए आपको इस वेबसाइट को हिट करना है जो कि है obsproject.com। जैसे ही आप इस वेबसाइट को ओपन करेंगे कुछ इस तरह से आपके सामने एक इंटरफेस आता है। यहाँ पर आप देख सकते हैं OBS का फुल फॉर्म ओपन ब्रॉडकास्टर सॉफ्टवेयर। जी हाँ, यह एक ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर है, टोटली फ्री है और किसी भी प्लेटफॉर्म में आप इसे यूज़ कर सकते हैं। जैसा कि यहाँ पर आप देख सकते हैं विंडोज़, मैक और लिनक्स। अब पेड जो सॉफ्टवेयर्स होते हैं जिसको हम ट्रायल वर्जन पर यूज़ करते हैं तो वहाँ पर आपको कोई कस्टम लोगो नज़र आता है या फिर कोई वाटरमार्क हो सकता है या फिर उनकी कुछ लिमिट्स होती हैं कि आपको सिर्फ 5 मिनट की ही रिकॉर्डिंग करनी है या फिर आपको 10 मिनट की ही रिकॉर्डिंग करनी है। बट यह एक इतना पावरफुल सॉफ्टवेयर है कि यहाँ पर अगर आपका हार्डवेयर दमदार है तो आप 4K में भी रिकॉर्डिंग कर सकते हैं। एक्चुअल में मोस्टली टाइम्स का जो यूज़ किया जाता है वह किया जाता है लाइव स्ट्रीमिंग में, क्योंकि यहाँ पर आपको ऐसे हज़ारों टूल मिलते हैं जो कि लाइव स्ट्रीमिंग में यूज़ होते हैं। तो कुछ इस तरह से इसकी वेबसाइट है। सिंपली आपको विंडोज़ पर जाकर क्लिक करना है। अगर आप विंडोज़ को यूज़ कर रहे हैं तो 1 क्लिक में हमारा यह सॉफ्टवेयर डाउनलोड हो जाता है। डाउनलोड होने के बाद फर्स्ट टाइम जब आप इसे ओपन करेंगे तो कुछ इस तरह से आपको इंटरफेस देखने मिल जाता है। यहाँ पर आप देखेंगे आपको बहुत सारे ऑप्शंस दिखाई दे रहे हैं, बट इस वीडियो में हम कवर करने वाले हैं स्पेशली स्क्रीन को कि कैसे आप हाई क्वालिटी में अपने डेस्कटॉप की स्क्रीन को रिकॉर्ड कर सकते हैं। तो यहाँ पर आप देखेंगे आपके सामने 2 विंडो हैं। सबसे पहला है आपके पास सीन्स और दूसरा है सोर्स। तो अपने डेस्कटॉप की स्क्रीन को रिकॉर्ड करने के लिए सिंपली आपको इस प्लस आइकॉन पर क्लिक करना है और यहाँ से आपको सेलेक्ट करना है डिस्प्ले कैप्चर। अगर आप चेक करेंगे यहाँ पर तो आपको मल्टीपल ऑप्शंस दिखाई दे रहे हैं, जैसे कि ऑडियो कैप्चर, ब्राउजर, कलर सोर्स, इसके बाद गेम कैप्चर। तो इसे हम आगे एक सेपरेट वीडियो में कवर करेंगे जो कि बहुत ही जल्द आने वाली है कि कैसे आप प्रोफेशनल लाइव स्ट्रीम कर सकते हैं। आपने जो भी गेमिंग चैनल्स देखे होंगे जहाँ पर लाइव स्ट्रीम होती है वहाँ पर आपको चैट बॉक्स भी मिलता है, ग्रीन स्क्रीन को भी आप रनिंग टाइम पर एडिट कर सकते हैं, साथ ही साथ आप मल्टीपल सीक्वेंस जमा सकते हैं। अब चाहे तो वह टेक्स्ट का हो सकता है या फिर डिफरेंट वीडियो कैप्चरिंग डिवाइस हो सकती है। तो इसे हम आगे एक डिटेल वीडियो में कवर करेंगे। तो अभी सबसे पहले हम डिस्प्ले को कैप्चर करते हैं। सिंपली आप डिस्प्ले कैप्चर बटन पर क्लिक करें। यहाँ पर सिंपली आपको ओके बटन पर क्लिक करना है। तो यहाँ पर आप देखेंगे कुछ इस तरह से आपको इंटरफेस दिखाई दे रहा है। यहाँ पर आपको डिस्प्ले को सिलेक्ट करना है और यहाँ पर आप देखेंगे कैप्चर कर्सर करके आपके सामने एक ऑप्शन आ रहा है। अगर आप माउस के इस कर्सर को ऐड करना चाहते हैं तो आप सिलेक्ट कर सकते हैं, अदरवाइज़ आप इसे डिलीट भी कर सकते हैं। सिंपली हम ओके बटन पर क्लिक करते हैं। अब यहाँ पर आप देखेंगे अगर हम चलें सेटिंग्स के अंदर तो कुछ इस तरह से आपके सामने एक इंटरफेस आता है। यहाँ पर आप इसकी थीम के साथ एडजस्ट कर सकते हैं। अगर आप इसकी थीम को चेंज करना चाहते हैं तो किसी डिफरेंट थीम को भी आप यहाँ से ऐड कर सकते हैं। नीचे हम चलते हैं ऑडियो पर। तो यहाँ पर आप देखेंगे जो रिकॉर्डिंग के दौरान सबसे बड़ी प्रॉब्लम होती है कि हम अपने डेस्कटॉप के साथ भी रिकॉर्ड करते हैं और एक्सटर्नल माइक्रोफोन के साथ भी रिकॉर्डिंग करते हैं। तो इस सॉफ्टवेयर के यूज़ करके डायरेक्टली आप दोनों को मर्ज कर सकते हैं। आपको वीडियो एडिटिंग सॉफ्टवेयर में ऑडियो को मर्ज करने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। यहाँ पर आप देख सकते हैं ऑडियो के यहाँ पर मल्टीपल ऑप्शन हैं, किस किस तरह से आप ऑडियो को कैप्चर करना चाहते हैं तो वह भी आप डायरेक्ट यहीं से कर सकते हैं। वीडियोस पर अगर हम चलें तो यहाँ से आप रिजोल्यूशन सेट कर सकते हैं, जो बेस रिजोल्यूशन होगा उसे आप रखना चाहते हैं, जो आप आउटपुट चाहते हैं साथ ही साथ आप वही भी कर सकते हैं। अगर हम बात करें हॉट कीज़ की तो यहाँ पर आप देखेंगे जो आपके लिए सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होगी डेस्कटॉप को रिकॉर्ड करने में वह होगी स्टार्ट रिकॉर्डिंग और स्टॉप रिकॉर्डिंग। जैसे कि यहाँ पर आप देखेंगे जो मैंने स्टार्ट रिकॉर्डिंग पर की सेलेक्ट की है वह है नमलॉक और माइनस, और यहाँ पर आप देखेंगे नमलॉक और प्लस जो कि मैंने स्टॉप पर सेट की है। तो इस तरह से आप भी इन कीज़ को सेट कर सकते हैं। फाइनली अगर हम बात करें वेबकैम की, किस तरह से आप वेबकैम को ऐड करेंगे तो सिंपली आपको इस प्लस आइकॉन पर क्लिक करना है। यहाँ से आपको जाना है वीडियो कैप्चरिंग डिवाइस पर। सिंपली आप ओके बटन पर क्लिक करें।
तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि फाइनली इसने वेबकैम को कैप्चर कर लिया है। आप अपनी रिक्वायरमेंट के अनुसार इसकी हाइट को भी एडजस्ट कर सकते हैं। तो यह एक बहुत ही ज़्यादा पावरफुल सॉफ्टवेयर है और आप अपनी रिक्वायरमेंट के अनुसार इसे एडजस्ट कर सकते हैं। अगर यहाँ पर ग्रीन बैकग्राउंड होता तो इस सॉफ्टवेयर के माध्यम से वन क्लिक में आप उसे रिमूव भी कर सकते हैं। अगर आप अपनी रिकॉर्डिंग को चेक करना चाहते हैं तो सिंपली आपको फाइल्स पर जाना है। यहाँ पर आप देखेंगे शो रिकॉर्डिंग का एक ऑप्शन है, सिंपली आप इस पर क्लिक करें तो यहाँ पर आपको अपनी रिकॉर्डेड फाइल्स मिलेंगी जो कि आपने इस सॉफ्टवेयर के माध्यम से रिकॉर्ड की हैं। अब बात करते हैं हम फाइनली वीडियो को रिकॉर्ड करने की, किस तरह से आप अपने डेस्कटॉप की स्क्रीन को कैप्चर करेंगे। तो यहाँ पर आप देखेंगे आपको स्टार्ट रिकॉर्डिंग का एक ऑप्शन मिल जाता है, वन क्लिक कर आप रिकॉर्डिंग स्टार्ट कर सकते हैं। अगर आप इसे बंद करना चाहते हैं तो सिंपली स्टॉप रिकॉर्डिंग पर आप इसे बंद भी कर सकते हैं। ओके गाइस, तो कुछ इस तरह से आप OBS को यूज़ कर सकते हैं। यह OBS का एक बहुत ही छोटा सा पॉइंट है जहाँ पर हमने सिर्फ और सिर्फ डेस्कटॉप की स्क्रीन को कैप्चर किया, बट आने वाली वीडियोज़ में हम डिटेल में इसे कवर करेंगे और मैं आपको डिटेल में बताऊँगा कि कैसे आप इसमें गेम कैप्चर कर सकते हैं, कैसे आप लाइव स्ट्रीम कर सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो आप इसे लाइक ज़रूर करें। अगर आप हमारे चैनल पर न्यू हैं तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगा कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी करें। एक नई वीडियो में आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए #cyberbaba।